तस्वीर मुंबई की भी दिखा देते हैं, क्योंकि अभी तो बारिश फिलहाल वहां पर रुकी हुई है, लेकिन शनिवार को मूसलाधार बारिश के बाद कम से कम 10 ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी जलजमाव की खबरें आई, और इसकी वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से कई गाड़ियां बीच सड़क पर ही खड़ी हो गई। सायन में तो पुलिस चौकी ही जलमग्न हो गई। मुंबई में आसमान से आफत बरस रही है। 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से मुंबई पानी पानी है। ये तस्वीरें परेल इलाके की हैं, जहां ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। परेल में जलभराव का अंदाजा कार और बाइक की डूबती इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। मैं इस वक्त परेल के उस इलाके में हूं जहां पर की ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे गुजरता है, और ये देख लीजिए पूरा का पूरा यहाँ जो पानी क्योंकि भरा हुआ है, उसकी वजह से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है वो पूरा जाम हो चुका है। यहाँ पर गाड़ियां जो है बंद पड़ गई हैं। इसके साथ ही आप देख लीजिए बीएमसी की जो पंप है वो लगातार यहाँ पे पिछले 2 घंटे से पानी की निकासी की कोशिश में लगे हुए हैं। परेल में बारिश का पानी जब सड़क पर जमा हो गया तो इन बच्चों ने उसे ही स्विमिंग पूल बना लिया, खूब मस्ती की। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल है। घुटनों तक भरी सड़क पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं है। ये तस्वीरें मुंबई के सायन इलाके की हैं, जहाँ हर साल की तरह सड़क पर लबालब पानी भरा है। आलम यह है कि रोड के किनारे बनी पुलिस चौकी में भी पानी भर गया। सायन इलाके की जरा इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। पानी से भरी सड़क पर चलने का जोखिम कितना है इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। बेस्ट की बस बीच सड़क पर खराब हो गई, तो ये ट्रक जल जमाव में निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हम इस वक्त मुंबई के सायन इलाके में, ये वो इलाका है जो हर बार बारिश में पानी से लबालब भर जाता है, और यहाँ पर आप देख लिए हालात कुछ इस तरीके से हैं कि गाड़ियां जो हैं वो बंद पड़ गई हैं। ये बीएसटी की बस आप देख लीजिए पूरी बंद पड़ी हुई है। जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर, वहाँ उसके अंदर पानी है, तो वहीं जो सड़क है आप देख लीजिए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ये पूरा इलाका पानी से जो लबालब होने की वजह से गाड़ियां यहाँ रेंग रही हैं। शनिवार को मुंबई में करीब 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसकी वजह से शहर के 10 इलाकों में जबरदस्त वाटर लॉगिंग हो गई। मॉनसून में मुंबई का ये हाल कोई पहली बार नहीं हुआ है, हर साल आलम यही होता है। लो लाइन इलाकों में बारिश का पानी इस कदर जमा हो जाता है कि मानो सड़क पर दरिया बह रहा हो। बीएमसी के तमाम दावे मॉनसून की बारिश में धुल जाते हैं और मुसीबत यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है। लगातार दूसरे दिन मुंबई शहर बारिश से भरी हुई एक सुबह से उठा है, और आज भी हम देख सकते हैं पिछले कुछ घंटों से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है, और इसी कारण कई एरियाज में पानी भरने की जो प्रॉब्लम है वो सामने आई है। वाटर लॉगिंग का एक प्रॉब्लम सामने आया है हर बार की तरह। हम इस वक्त अंधेरी ईस्ट में मौजूद है, और ये अंधेरी का सबवे है जो कि जहां हर बार बारिश होते ही पानी भर जाता है, और इस बार भी लास्ट 24 घंटे से बारिश होने के कारण इस बार भी आप देख सकते हैं कि पानी भर चुका है। मुंबई पर मौसम का डबल अटैक हुआ है। एक तरफ भीषण बारिश से शहर में जल जमाव है, तो दूसरी तरफ हाई टाइड। सुबह जब हाई टाइड आया तो समंदर में करीब 4.5 मीटर ऊंची लहरें तटों से टकराईं। अब रात में भी हाई टाइड आने की संभावना है, जिसमें करीब 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लिहाजा लोगों को समंदर किनारे जाने से मना किया गया है। तनुश्री पांडे और विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।